प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशाओं में वितरित किया 80,000 स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पाने वाली आशा बहनों ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। नव वर्ष 2022 पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, जनपदवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी के बेहतर स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना। कैंट पुलिस ने दो अभियुक्तों को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। दो तमंचा, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने समस्त गोरखपुर वासियों को दी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं की कामना। कहा, आपके जीवन में बेहद सुखद हो अगला साल। सेहत की और परिवार की भी रक्षा करें महादेव। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दिया नए साल का दोहरा तोहफा। बनाया रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सहित प्रदान किया 6 माह का सेवा विस्तार भी। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के साथ बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगाया है रोक। एसएसपी ने कहा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है रात की कर्फ्यू, सभी लोग करें पालन। 11 बजे के बाद सड़क पर दिखाई देने पर की जाएगी कार्यवाही। प्रदेश में हुए विकास को देखते हुए जनता है भाजपा के साथ, भाजपा को करेगी वोट। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी ने लोकबंधु राज नारायण की 35वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। नवनिर्मित पुलिस चौकी चिड़ियाघर का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। निरीक्षण कर चौकी प्रभारी को कुर्सी पर बैठा कर किया उत्साहवर्धन। जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण करने के दिए निर्देश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गणतंत्र दिवस पर निकालेगी भव्य तिरंगा यात्रा। लिया है 1 करोड़ सदस्य बनाने का संकल्प, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री ने दी जानकारी। जिला चिकित्सालय के सीएमओ कार्यालय में कार्यरत 3 कर्मचारियों के रिटायर्ड होने पर आयोजित हुई विदाई समारोह। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, तीनों थे कर्मठ कर्मचारी। कोई व्यक्ति आप लोगों को पुलिस वाला, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ का अधिकारी बताकर तलाशी लेने को कहता है तो तलाशी ना दे, तुरंत डायल 112 को दे सूचना। जनपद पुलिस नागरिकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से टप्पेबाजों से कर रही है जागरूक, रहे सुरक्षित व सतर्क। जिला उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने कपड़ा तथा जूते पर जीएसटी के बड़ी दर को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 314 केंद्रों पर 23,255 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,193 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,062 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, ओमिक्रॉन को देखते हुए अवश्य लगवाएं टीका जीत का।